ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे हम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एक बेनिफिट तो है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपेयर कर सकते ईएमएफ दो सेलों की, एक टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। लो देखें ये कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की मेजर करते हैं। ये सर्किट लगा लेना हमने, ये पोटेंशियोमीटर है, मीटर स्केल, ये ई वन सेल लगा लिया, इसे ई डैश लिख लिया। अब बैटरी में ये दो सेल है, ये एक सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ढूंढनी है। ये के टू की है, इसे पहले नहीं ऑन करना। ये गलवेनोमीटर है, ऐसे सर्किट लगा लेना हमने, ये के की ऑन कर लेनी है तो इसमें करंट फ्लो होगा। फिर ये गलवेनोमीटर है, ये जॉकी है, तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। लेट ई डैश बी द ईएमएफ ऑफ द एक्सिलरी बैटरी, एक्सिलरी बैटरी ये जो ऊपर लगी होती है दैट इज एक्सिलरी बैटरी मेन, एंड अ कांस्टेंट करंट आई इज मेंटेन्ड थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं करंट की। प्लग इन द की के टू इज कैप्ट आउट, के टू जड़ा ना की नहीं पानी पहला, फिर ई वन की इंटरनल रेजिस्टेंस आप पता करनी ना, पहले करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें से, गलवेनोमीटर के साथ जॉकी की सेटिंग करेंगे। एंड द जॉकी इज मूव्ड ओवर पोटेंशियोमीटर वायर, लेट एल वन बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम ए टू जॉकी, ए तो जॉकी तक जड़ी पोटेंशियल मीटर दी लेंथ दी वायर होएगी आ जड़ी जा रही है, ए जिथे जॉकी ने सेटिंग करनी, जिथे जॉकिंग दी सेटिंग होनी, जिथे गलवेनोमीटर ने निल रीडिंग शो करनी है, नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो लेंथ एल वन बन जानी है जॉकी ए तो लेके जे तक आ सारी 100-200 जितनी भी होगी। इफ एक्स इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, देन ई ई एम एफ जड़ी है वो किसके बराबर होगी, एक्स एल वन इंटू आई, ये आर आई है, ये रेजिस्टेंस बन जानी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एल वन मल्टीप्लाइड बाय आई, तो ये बन गई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आई इज इक्वल टू ई एम एफ ई, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं हम। नंबर वन डाल लो, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बन जाना। लेट एस बी द रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड एंड पुट द प्लग की के टू, इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल एंड एल ई टू इज द बैलेंसिंग लेंथ। अब क्या करना हमने, हमने जे के टू डाल लेनी है, ऑन होगी जे, अब करंट इसमें से भी फ्लो करे, जहां से रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स से तो कोई सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो फिर जहां हम जॉकी को इस वायर की पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर मूव कराएंगे, जहां गलवेनोमीटर की रेजिस्टेंस गलवेनोमीटर में से करंट जीरो हो जाए, जब गलवेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करे वो लेंथ आ जाएगी एल टू, तो कैसे लिखेंगे, वी इज इक्वल टू एक्स एल टू, एल टू लेंथ आई मल्टीप्लाइड बाय आई, इसे टू नंबर डाल लो, डिवाइडिंग वन एंड टू ई बटा वी इज इक्वल टू एक्स एल वन आई बटा एक्स एल टू आई, काट दो एक्स के साथ एक्स कट गया, आई के साथ आई कट गया, एल वन बटा एल टू आ गया, ई बटा वी आ गया इक्वल टू एल वन बटा एल टू, इसे नंबर थ्री डाल लो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सेल की पता करनी है, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस एस, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना सेल की, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो आर रेजिस्टेंस तो है ही है जो आर सर्किट में है, आर रेजिस्टेंस ई इंटू आर, आर नहीं लेनी जहां एस लेंगे हम, ई इंटू आर प्लस एस, ये एस रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है ना सर्किट में, आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तो R प्लस बन गया E इंटू आर प्लस एस, आई इंटू आर प्लस एस, जी आ गई E की इक्वल, एंड V
वी इज इक्वल टू आई इन टू एस आई आर फार्मूला। इतने एस ना रजिस्टेंस एस लिखा हुआ है, नहीं तो फिर मिक्स हो जाने से ना आर तभी नहीं लिखा। बाय डिवाइडिंग इन दोनों को डिवाइड कर दो, ई बटा वी इज इक्वल टू आई इन टू आर प्लस एस बटा आई एस, आई के साथ आई कट गया, आर प्लस एस बटा एस ई बटा वी, आर प्लस एस बटा एस इज इक्वल टू ई बटा वी इज इक्वल टू एल वन बटा एल टू। ये रिजल्ट निकाला हमने एल वन बटा एल टू फ्रॉम थ्री। अब इसको डिवाइड कर दो अलग अलग करके, आर बटा एस प्लस एस बटा एस इज इक्वल टू एल वन बटा एल टू, इसे काट दो, आर बटा एस इज इक्वल टू एल वन बटा एल टू माइनस वन, आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस इंटू एल वन बटा एल टू माइनस वन। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी, एस का भी पता है, एल वन का भी पता है, एल टू का भी पता है, तो जो कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का पता चल जाएगा।